शेख मुअज्जम पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म को बिंधे जा रही थी। शेख मुअज्जम पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म तुम्हारा वेशभूषा देखकर लग रहा है कि तुम एक डिलीवरी वाले हो। नाट्य शास्त्र में 8 रस होते हैं जिसमें से 4 तुम्हारे अंदर दिख रहे हैं। एक एक्टर को हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन चालू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइजनर ने कहा है कि अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं। और एक्टिंग क्या है? इमेजिनेशन। सर पिज्जा। रिसीविंग एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी रिसीविंग पर रहे, क्योंकि अगर वो रिसीविंग पर नहीं ले रहेगा तो वो सामने वाले इंसान से एम्पैथाइज नहीं कर पाएगा जिसके सामने खड़ा है। ये रियलर का अप्रोच है। लेकिन अगर आप रिसीविंग पर हैं तो आप बिना शब्दों के भी खेल सकते हैं। ये चार्ली चैपलिन का मानना है। सर पैसे। मनी यानी पैसा। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में माहिर है और वो काम आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता तो प्लीज उस काम को फ्री में मत करो, क्योंकि हीथ लेजर का कहना है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। क्योंकि एक्टर के लिए पैसा बहुत जरूरी है। Let us take an example from a play rehearsal to see how this is done. Let us say an actress of go backwards to a forward. Let us take the example of. क्यों लगाई दूसरे गाड़ी मेरी पार्किंग में? अब तो कोई स्पेस खाली नहीं होगी तो उससे क्यों हो रहा है? तो मेरी पार्किंग में लगाएगा। ठीक है भाई, मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लूंगा। नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारे गुस्सा होने का कारण कोई दूसरा व्यक्ति था, तो इसलिए ये एक्सटर्नल टू इंटरनल है। लेकिन अगर गुस्सा तुम्हारे अंदर से आता तो वो इंटरनल टू एक्सटर्नल होता, और इंटरनल टू एक्सटर्नल को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्टिंग। लेकिन ये एक्सटर्नल टू इंटरनल है, इसलिए ये है मेथड एक्टिंग। अरे अरे महाराज। हाँ, ये ऑथेंटिक है, ये तुम्हारे अंदर से निकला है। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, स्पॉन्टेनिटी। इसमें जो है अपने स्ट्रिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि डेनियल डे लुइस। आपको हमारा वीडियो देखकर अच्छा लगा, मजा आया, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंजॉय। यार वो गाड़ी जो मैंने साथ में डाली।